हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ, बहुत आज जो शेयर करूंगा एक पिकनिक स्पॉट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ बात। तो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग घर में बैठ के ऐसा लग रहा है कि कुछ जेल खाने में बंद है, तो लेकिन क्या करें, इसको तो मानना पड़ेगा। तो लॉकडाउन के बाद आप लोग जब फ्री होंगे तो आप लोग निश्चय ये तय करना कि आप लोग पिकनिक पे या कुछ करने चाहोगे ज़रूर, तो उसके लिए हम लोग ये वीडियो बनाया। तो ये है एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, ये डेबरा थाना के अंदर अवस्थित है। तो ये बहुत बढ़िया एक प्लेस है जहाँ पे 25 दिसंबर और 1 जनवरी बहुत लोग आते हैं इधर पिकनिक करने के लिए। वो फैमिली के साथ भी हो या फ्रेंड के साथ भी हो, आप लोग आ सकते हैं इधर, बहुत ही मज़ा आने वाला है इधर। ये प्लेस दरअसल एक नदी या क्या बोलूँ, कंसावती रिवर का दो हिस्सा इधर विभक्त हुआ है। एक हिस्सा वो कासाई के नाम पे और एक हिस्सा कंसावती के नाम के जाना जाता है। तो ये एक मोहना है, तो आप लोगों को इधर मिलेगा कि आप लोग इधर पानी में बहुत कुछ कर सकते हो, पानी में सांतार या स्नान भी करने का मज़ा लूट सकते हो और इधर पिकनिक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। इधर बहुत सारा साउंड सिस्टम आते हैं, इधर बहुत ही लोग घूमने आते हैं। अभी लोग नहीं, अभी बहुत इधर फाँका लग रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जो दिसंबर का पूरे सीज़न इधर बहुत ही लोग आता है, बहुत ही मात्रा में लोग आता है। तो क्या हुआ, आप लोग जब फ्री होंगे तो आप लोग आपके फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ या फ्रेंड लोगों के साथ किसी के साथ भी इधर आ सकते हो, इधर बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। आई श्योर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग इधर बैठ के भी कुछ बातें कर सकते हो या बहुत शांति है। तो जिस लोग शांति ढूंढने के लिए कुछ बहुत जगह घूमते हो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, इधर आ जाओ फिर एक बार ही आ जाओ, इधर देख लो, बहुत ही अच्छा लगेगा। इधर ये डेबरा मार्केट से ये प्राय लगभग 20 किलोमीटर आपको नॉर्थ में आना पड़ेगा। नॉर्थ में आने के बाद वो माड़तला बाज़ार मिलेगा, माड़तला से थोड़ा आगे आके इधर वो किसी से पूछ लेना, वो बता देगा ये प्लेस का आपका एड्रेस आपको बता देगा। लेकिन फिर भी नहीं आपको मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, लोकेशन लिंक, तो आप लोग उधर से भी देख सकते हो। तो आप लोगों को बहुत अच्छा इस जगह का व्यू आपको करके दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी करके। तो आप लोग देख लीजिए, इधर एक बहुत ही अच्छा नदी बहता हुआ, बहुत अच्छा लगता है। इधर परिवेश, नेचुरल परिवेश भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग जितना भी मन चाहे इतना नदी में उतर के सातार भी काट सकते हो या कुछ भी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इधर पिकनिक करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इधर पानी का भी बहुत ही व्यवस्था कर दिया गया सरकार द्वारा, पानी मिलेगा या खाने का लिए आप लोगों को खुद ही रानना या इधर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आप लोग जब आओगे ना, इधर खेलने के लिए एक ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड है, उधर भी बहुत लोग प्ले करते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते रहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चा जो आते हैं इधर बहुत ही मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत ही लोग आते हैं, प्राय लगभग 10-20 हज़ार लोग तो आ ही जाता है इधर पूरे दिसंबर में, तो बहुत ही लोग आते हैं। तो 1 जनवरी या 25 दिसंबर, ये 2 दिन से बहुत ही लोग आता है इधर, आप लोग भी आ जाओ, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। एक दीप है उधर, आप दीप पे भी जा सकते हो, उधर बहुत कुछ खाने का चीज़ है, या कुल का गाज जो होता है ना, वो कुल गाज है, जम्बू का पेड़ है और प्यारा का पेड़ है, आम का पेड़ है, बहुत कुछ है उधर। और आप लोगों को उधर भी जाने का परमिशन भी दे दिया जाएगा। और एक बड़ी बात है, ये जो है ये नदी के इस पर ये डेबरा ब्लॉक है और उस पर जो दिख रहे हो उस पर केशपुर ब्लॉक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। आप लोग दो दो पीएस के अंदर बैठे होंगे,